अरे देखो देखो, और यहाँ रॉनी चीज केक बना रहा है। क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा पति नहीं अरे है? अरे वाह, चीज केक, कितना बड़ा चीज केक है। मुझे पता है कि उसे मीठा पसंद है, मैंने गौर किया है। डियर, असल में हम यहाँ थोड़ी गुफ्तगु कर रहे हैं और तुम्हारी बात हो रही है, क्या हुआ? सब ठीक है, यहाँ थोड़ा गर्म है, मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ। मुझे सब पता है मेरी जान। तुम्हें क्या पता है? मैं नहीं चाहते हुए भी कमरे में हाथी को देख पा रही हूँ। मुझे सच बोलना है। क्या तुमने भी ध्यान दिया है कि वो किस तरह औरतों को देखता है? हाँ हाँ, वो सब लड़कियों से फ्लर्ट करता है, जैसे कि उसका उम्र 14 है। मुझे पता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। कृपया मेरी मदद करो ये पता लगाने के लिए कि वो किससे मिल रहा है। क्या वो मैं कैसे करूं? उसे लुभाओ, थोड़ा सा फ्लर्ट करो, और अगर वो कुछ नहीं करता या फिर इसका जवाब नहीं देता तो इसका मतलब मैं सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही हूँ। तुम्हारे पति को लुभाओ? मुझे लगता है इतना गिरा हुआ काम मैं नहीं कर सकती। तुम कभी भी ये खुद से नहीं करोगी, लेकिन मेरे लिए कर दो प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। शुक्रिया। और जब मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन है, मैं उसे मार डालूंगी। क्या लाइन है यहाँ। रॉनी माँ से बात कर रही थी और सर स्क्रैची ने कुछ गंदा खा लिया और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे अपने साथ वेट के पास चलने के लिए कहा था। बेवकूफ बिल्ली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम यही रहो और अपनी शाम के मजे लो। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। गुड बाय। आखिर वो चली ही गई। चीज केक देखो। तुम्हें जोखिम उठाना पसंद है बेब। क्या तुम सोच सकते हो तुम कितने वफादार हो ये मुझे देखने को? क्या सच में? तो मुझे घूरने वाले हो या फिर तुम मेरे लिए एक टैक्सी बुलाओगे? हमारे पास मजे करने के लिए एक घंटा है। पूरा हफ्ता तुम्हारे बिना मैं तो बोरियत से मर ही जाऊंगा। अरे चिंता मत करो, तुम्हें पता है पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा समय कैसे बीत गया। बाय। हाय। ओ, मुझे अलविदा कहे बिना तुम कैसे जा सकती हो बेबी? हाय, ये क्या है? क्या तुम्हारे टैक्सी का सफर लंबा था? नहीं, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, मैं तुम्हारे कंफर्ट के लिए लाई हूँ। कितनी प्यारी बात है। हाय। हाय। रॉनी, मुझे लगता है मैं अपना छाता भूल गई, क्या तुम मुझे ला दोगे? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। तो कैसा रहा? तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। मुझे पता था कितना गिरा हुआ इंसान है। तुमने दुनिया की सबसे बोरिंग इंसान से शादी की है। क्या मतलब है तुम्हारा? जितना हो सके मैंने फ्लर्ट किया, अपना कॉकटेल भी पिया, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसके आंखों में आंखें डालकर देखा, लेकिन उसे फर्क तक नहीं पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो एक बच्चे की तरह डर गया। उसके बाद क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, मैं उसे किस करने की कोशिश की थी लेकिन उसने मना कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा मेरे घर चलने के लिए, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर हटा दिया। तुम सबसे अच्छी हो। हाँ, हाँ, और वो सबसे अच्छा है। हे, क्या मतलब तुम्हारा? मैं बस प्यार के पेंडेंट की बात कर रही थी। ये बहुत ही अच्छा है ना? बिल्कुल। ये एक तोहफा है, सीक्रेट गिफ्ट, मेरे सीक्रेट एडमायर ने दिया है। ये एक टॉप सीक्रेट है। क्या चल रहा है? मुझे अभी याद है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। धन्यवाद। मैं जा रही हूँ इससे पहले कि मैं कुछ और भूल जाऊँ। बाय। तुम्हारा सफर अच्छा रहे, ठीक से जाना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। अरे ध्यान से।
ये बहुत नजदीकी था। तुम्हारे पास 10 सेकंड है अपने कपड़े उतारने के लिए। 1, 2 बेबी, याद रखना तुम मेरी बेबी हो। जब मैं तुम्हें देखूंगी। रॉनी, रॉनी, तुम किसके साथ हो? सलीना, तुम कब से मेरे सामने इतना शर्म करने लगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात में कौन है? तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ बस मिस्टर डक के साथ हूँ। बहुत समय से मिलना नहीं हुआ मिस्टर डक। हाँ, मैं तो बस गाना गा रहा था। लव लव बेबी यू आर माय बेबी, तुमने सुना? हाँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरह का मजा बाथटब में मिले। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैंने गलती से अपनी जगह तुम्हारे पासपोर्ट ले लिया, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल। ओके ओके, तो क्या तुम नहीं जाओगी? अरे नहीं, मैं अगली फ्लाइट से जाने वाली हूँ। ओके ठीक है, फिर तब फिर गाते रहो। हाँ, हाय मिस्टर डक। या बाय। क्या कर रही हो? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने आप को उलझा लिया। हाँ, जलन की वजह से तुम पागल हो गई हो। हाँ, चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ, माफ करना। वाह, ओह माय गॉड, उसने कुछ नहीं देखा। नहीं, सब ठीक है, वो अब जा रही है। मेरी चीजें, मेरा सामान। सब ठीक है, ये पहली बार नहीं है, मैंने सब चीजें छुपा दी है। ओह, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। अब चलते हैं। रॉनी, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि गीली तौलिया बिस्तर पर नहीं रखा करो। आखिर वो कहाँ है? तुम्हें फिर से क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम कैसे समझाओगे कैसेनोवा? ओह, तो तुम तोहफों को लेकर ऐसा महसूस करती हो? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? और मुझे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ सोकर? ओह, ये कितना अच्छा सरप्राइज। मैंने अभी देखा तुम्हें पेंडेंट कितना पसंद आया था, और मैं तुम्हें वैसा ही देना चाहता था। तुम क्या कर रही हो? उत्सुक हूँ। उत्सुक? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जलन से परेशान हो गया हूँ, और अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और मैं बाद में सोचूंगा कि तुम्हें माफ करना चाहिए या नहीं। तुम जलन में पागल हो गई हो। अच्छे फेफड़े हैं, उसके लिए अच्छा है। एक मिनट, 20 सेकंड्स। तुम्हें एक नेवी सील होना चाहिए या फिर एक फ्री डाइवर? सेलिना, देखो तुम मुझे गलत मत समझो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम अभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ सो रहे थे। हम लोग दोस्त रहे हैं पहली कक्षा से। तुम्हारे ब्रेकअप के बाद मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम रो रही थी मेरे कंधे पर, और इस तरह मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरे पति को लुभा के। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो किया उसने किया है, ये सब इसकी गलती मेरी है। मेरी गलती? तुमने मुझे पार्टी में किस किया था? गलती है। तुम्हारी गलती है। मुंह बंद करो। घिनौने दोनों के दोनों। नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं बस, कोई बात नहीं। पता है क्या, तुम्हारे पास 20 सेकंड है यहां से जाने के लिए, अभी। और तुम कहां जा रहे हो? ये मेरी निजी संपत्ति है, और तुम्हारा कोई हक नहीं है यहां ठहरने का। लेकिन मेरे सारे कपड़े यहां हैं। तो क्या, ये टॉवल्स ले लो, वैसे भी ये गंदे हैं। क्या तुम सच में चाहती हो कि हम ऐसे रास्ते में निकल जाएं? हाँ बिल्कुल, चलो जाओ। 10, 9, 8। ओह
मुझे माफ करना, ये गलती से गिर गया। शायद मैंने ज्यादा ही पी ली थी। क्या इसे कोई बाहर निकालेगा, क्योंकि इसका घर जाने का टाइम हो गया। नहीं जान, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। चलो मैं जरा थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तुम क्या कर रही हो केली? क्या तुम रेशल के लिए खुश नहीं हो सकती? तुम्हें एहसास भी है कि तुम सिर्फ मेरी शादी नहीं बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी खराब कर रही हो। बिल्कुल माइक, हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद रेशल की शादी मैं तुमसे नहीं होने दे सकती। क्या तुम किस तरह की बातें कर रही हो? यकीन करो जो भी हुआ कोई बड़ी बात नहीं थी, बच्चों की तरह मत करो। शादी से पहले मेरे साथ सोना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे साथ एक रात बिताई है, तो फिर क्या तुम्हें लगता है ये कोई बड़ी बात है? पर तुमने कसम खाई थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम शादी कैंसिल कर दोगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैंने क्या किया किसी को परवाह नहीं, वो बस एक मजेदार रात थी। और यकीन करो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही खास हो? तुम्हारे जैसी बहुत सारी हैं, रेशल के पहले बाद और आगे भी, और मुझे कोई परवाह नहीं है कि अरे 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 यार तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? मुझे लगा ब्राइड के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, बस इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था। मैंने तुम्हें सोचने के पैसे नहीं दिए, मैंने तुम्हारे काम के पैसे दिए हैं। तुम्हें एक आम कैमरामैन बनकर रहो, ये मुझे दो। अरे मुझे दो, इसमें तुम्हारी पूरी शादी है, तुम्हारी वाइफ मुझे मार देगी। अरे माइक, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं फैमिली फोटो के लिए। जी बस एक मिनट में आता हूँ। तो कल हम सारे साथ में देखेंगे कि तुमने आज के दिन क्या वीडियो शूट किया है, पर उस वीडियो में ये नहीं होना चाहिए जो तुमने यहाँ शूट किया है। और अगर तुमने बात ना मानी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता, और वो तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा। और ये पैसे तुम्हारे लिए हैं, पकड़ो, तुम समझ गए? तुम हंसना बंद करो और काम करो जाकर। हाँ, ओ, तुम अभी भी यहाँ हो, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। मेरा यकीन मानो हमारे बीच में उस रात के बाद कुछ भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो भी रेशल को सच्चाई बताए बिना। वाह, अच्छी कोशिश, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है क्यों? बस मुझसे पूछो क्यों। क्यों? खुशी हुई तुमने पूछा, क्योंकि तुम अनाथ हो, अनाथ थी और तुम अनाथ ही रहोगी, और तुम इस सच्चाई से तो भाग ही नहीं सकती और ना ही अपने डर से। हाँ तुम बहुत ही हॉट हो, पर इतनी भी जरूरी नहीं। रेशल के आने से पहले कभी किसी ने तुम्हारी फिक्र नहीं की और तुम्हारी बड़ी बहन बन गई। तो मुझे बताओ प्लीज, तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली तुमसे दूर हो जाए? यही तो मैं चाहता था। केली, हाय। ओह कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा होता रहता है, मुझे इसकी आदत है। तुम बताओ अब तुम ठीक हो? हाँ। केली, ओह तुम ड्रेस की फिक्र मत करो, ये धोने के बाद साफ हो जाएगी। हाँ। बहुत जल्द ही सेरेमनी शुरू हो जाएगी और मैं वाइफ बन जाऊंगी, तुम ये सोच सकती हो? ओह। और मैं चाहती थी कि तुम ब्राइड मेड बनो, पर खैर कोई बात नहीं, तुम और मैं एक फैमिली जैसे ही हैं। खैर मिलते हैं। रेशल, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। तो क्या बताना चाहती हो? क्या वो तुम रेशल को कुछ बताना चाहती हो? मैं उसे बता दूंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में खुद ही बता दूंगी। कभी कभी सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहना चाहिए। उम्मीद है तुम उसको सीक्रेट बता दोगी, मैं यही कह सकती हूँ। नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती। ओह फादर, आप यहाँ कैसे? वो मैं यहाँ रिंग्स देखने आया हूँ, क्योंकि सेरेमनी शुरू होने वाली है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस वो कंफ्यूज हूँ फादर। ओह मेरे बच्चे,
मैं वो सुबह से देख रहा हूँ, तुम किस बात से परेशान हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी खुशी वाले दिन परेशान कर रहा है? मुझे माइक के बारे में कुछ पता है। ओह। मुझे ऐसा कुछ पता है जो रेशल को नहीं पता, और अगर उसे पता लग गया वो बेचारी टूट जाएगी और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड खो दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, हर सीक्रेट कभी ना कभी बाहर आता है, पर तुम मुझे बताओ, तुम किसी को कुछ ना बताकर अपनी दोस्त की जिंदगी खराब करोगी या फिर सच बताकर उसे बचाओगी? शुक्रिया फादर। गॉड ब्लेस यू बच्चे। क्या तुम सच में इस मैरंगी सॉस के साथ ये सॉल्टेड फिश कैनपीज खाना चाहती हो? मुझे पता है कि ये अजीब है, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पर इन दोनों के फ्लेवर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम खा कर देखो। इससे पहले रेचल और माइक बने हस्बैंड और वाइफ, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई इस खास दिन पर कुछ बोलना चाहेगा? अभी बोल दीजिए, नहीं तो हमेशा के लिए चुप रहिए। मैं बोलूंगी। क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं? आप आगे बढ़िए फादर। नहीं मेरे बच्चे, सेक्रेड राइट के रूल्स और लॉज के कारण हमें उस लड़की की बात सुननी ही पड़ेगी। हाँ। तुम लोग सोचोगे कि मैं पागल हूं, पर मैं ऐसा कुछ कहना चाहती हूं जो सब बदल देगा। मुझे माफ करना रेशल, पर मुझे सब कुछ बताना होगा। उसे चला दो। हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकती। क्या तुम किस तरह की बातें कर रही हो? यकीन करो, जो भी हुआ कोई बड़ी बात नहीं थी। बच्चों की तरह मत करो। क्या शादी से पहले मेरे साथ सोना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी? हाँ रेशल, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, जरा मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे से अब दूर ही रहो। रेशल, ऐसा कैसे किया? रेशल, I hate you. रेशल, मेरी बेटी को अगर तुमने हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रेशल, मुझे माफ कर देना। मैं पागल हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मेरा यूज किया। मैं समझ सकती हूँ कि मैंने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया, पर पूरी जिंदगी खराब होने से अच्छा है कि एक दिन खराब हो जाए। उम्मीद है कि तुम मुझे एक दिन माफ कर दोगी। तुम्हें पता है सबसे बुरी चीज ये थी कि तुमने मेरे से ये बात को छुपाया और पहले नहीं बताया। मुझे लगा हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे डर था तुम मुझसे नफरत करोगी, और मैंने सोचा कि शादी नहीं पूरी फैमिली टूट जाएगी। क्योंकि हाँ रेशल, मुझे पता है तुम्हारा बेबी होने वाला है। बेबी? तुम क्या बात कर रही हो? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे लगता है इसे सीक्रेट ही रहना चाहिए था, पर मैं क्या करती, तुम बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी और अजीब अजीब चीज़ें खा रही थी, और हाँ मुझे ये बाथरूम में मिला। केली, ये मेरा टेस्ट नहीं है, मैं तो बस नर्वस थी। मेरा मतलब एक लड़की अपनी शादी पर 100 गुना नर्वस होती है। अच्छा, ये तुम्हारे टेस्ट नहीं है तो किसका है? दोस्तों, आज जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, पर मेरे पास एक न्यूज़ है जिससे तुम्हें खुशी होगी। काफी सालों की कोशिश के बाद मेरे हस्बैंड और मैं आखिरकार पेरेंट्स बनने वाले हैं।
मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बेबी होने वाला है। ओह माय गॉड, ओह कंग्रेट। ओह थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो आज का दिन किसी के लिए तो अच्छा गया। तुम्हें पता है मुझे ऐसी जिंदगी एक झूठे के साथ रहना पड़ता, पर उसका शुक्रिया जिसने मुझे बचा लिया।